मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8:15 हैं और मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। कल मैंने बनाया था इडली और सांभर, तो उसके बर्तन घसने के पड़े हैं। और कल मार्केट में से मैं क्या क्या लाई आपको बता देती हूँ। कल मार्केट में से मैं ये लाई हूँ। यहाँ पे देखा था ना आपने, मेरी सिंक में पानी जम ये हो जाता है, तो ये वाला मुझे बहुत दिनों से लेना था, तो ये एक लेके आई हूँ। इसको यहाँ पे रखूंगी तो कचरा इसके अंदर नहीं जाएगा और सिंक मेरा क्लीन रहेगा, ताकि मुझे ड्रेनेक्स का खर्चा ना हो। सुबह की चाय में आपका स्वागत है गाइस, आ जाइए चाय पीने को। और इतने दिन से ना, 5 दिन से कंटिन्यू मैं एक ही वीडियो, लास्ट वाला वीडियो डाले जा रही थी और वो अपलोड नहीं हो पा रहा था। कल बड़ी मुश्किल से पार्लर पे जाके मैंने अपलोड किया है और आज फिर से चलेंगे पार्लर पे। ओके, सुबह मोटर चालू कर दी है पानी की, क्योंकि पानी आया है, पानी बह रहा था, देख ली मैंने आवाज आ गया तो जल्दी से मोटर चालू कर दी है। एक टाइम की चाय अभी पियेंगे और एक टाइम की चाय बाद में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं और अभी जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, तो सारा व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं उसके साथ। और बाय द वे, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको वेलकम, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग मेरा व्लॉग, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और गाइस, फैन का आवाज़ बहुत आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत गर्मी है, धूप निकली है बड़ी ज़ोरों से, और मम्मी के यहाँ जाने की कुछ अलग ही खुशी है। तो चलते हैं। कल मैंने अपने कंपाउंड में एक छोटा सा सांप का बच्चा देखा, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई और वो भाग तो गया तुरंत, उन लोग तो कैसे फटक से भाग जाते हैं, पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। वही डर डर के मैं आँख बंद कर रही थी ना, तो मुझे वही दिख रहा था, सांप ही दिख रहा था, छोटा सा बच्चा था, इतना सा पिल्लू, पर फिर भी मुझे बहुत डर लगा उससे। और बस मुझे ऐसा लगता है कि सेफ्टी डोर की फटी में से कहीं अंदर ना घुस जाए। अभी तक तो मैं सिर्फ छिपकली से डरती थी, अभी मेरे सांप भी दिख गया, तो अब जाऊंगी मेडिकल स्टोर में और उनके लिए कुछ ऐसा दवा वगैरह कुछ मिलती हो ना तो लेके आऊंगी, ताकि मैं अपने पूरे गार्डन में डाल दूं, तो मतलब उनका डर थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं मम्मी के यहाँ पार्लर पे। तो पता ही नहीं क्या ही हो रहा है, पर थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं करूं। वैसे मोनी बहुत अच्छे से संभाल लेती है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। मोनी प्रॉपर टाइम टू टाइम आ जाती है, उसको बोलना नहीं पड़ता है, तो थैंक यू मोनी, अगर आप देख रही हो तो मैनी मैनी थैंक्स बेटा, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। ओके, तो चलिए अब मैं चलती हूँ मम्मी के यहाँ और आपको भी लेके चलती हूँ मम्मी के यहाँ। और मम्मी के यहाँ ना मैं आपको मिलवाऊंगी उत्सव से, फाइनली वो डॉक्टर हो गया है, तो आप मिल लीजिएगा उत्सव से। अब हमारे घर में दो दो डॉक्टर हो गए हैं, वाव, और तीसरी डॉक्टर इन प्रोसेस में है, तो वी आर डॉक्टर्स फैमिली नाउ। तो मिलवाती हूँ आपको उत्सव से भी, और उसका जर्नी वो थोड़ा सा अगर शूट करने को अलाउ करेगा तो मैं उसका जर्नी भी शूट करूँगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा व्लॉग बड़े हो जाते हैं और आजकल ना व्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कल तो 5 दिन से तो मैं परेशान हो गई और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब ध्यान दो, और किस किस को ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है अपलोड होने में तो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि बारिश है, शायद नेटवर्क बहुत स्लो है, उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। पर बारिश तो 4 महीना रहेगी और इस तरह से नेटवर्क स्लो रहेगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा गाइस। और बस, तो 5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, आखिर में कल मेरा वीडियो अपलोड हुआ, वो भी पार्लर पे जाके फिर मेरा वीडियो अपलोड हुआ। तो चलिए गाइस, चलते हैं खाने में। तो कल इडली बनाई थी और शाम को आके इडली और सांभर खाया,
और अभी भी रखा हुआ है, इडली का आटा रखा हुआ है और सांभर रखा हुआ है, पर आज तो मैं मम्मी क्या खाना खाऊंगी, तो मैं क्या खाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जरा जल्दी में वो निकलती हूँ फटाफट। मोटी नहीं आएगी? नहीं आएगी, दूर से लूंगी ना तो मैं भी मोटी नहीं आऊंगी, है ना? हम दोनों अच्छे आएंगे, चल दूर से लेते। और दूर, और कितना हाथ दूर करूँ, नहीं हो रहा है मेरे से। तो साक्षी कैसी है? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम मस्त। सांप देखा मैंने कल सुबह, सच में, और पूरी रात मुझे ना आँख बंद करती थी ना तो सांप ही दिख रहा था, इतना डर लग रहा कि पूछो मत। किधर देखा? और ये सांप ना मेरे कंपाउंड में। हाय उत्सव, ये देखिए उत्सव से मिली है, मैंने बोला था ना उत्सव से मिलाऊंगी। तो फाइनली डॉक्टर उत्सव शाह। और बताओ बेटा, उत्सव अपना जर्नी हमारे साथ शेयर करेगा, तो बाद में उसका थोड़ा सा शूट लेती हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। और मम्मी यहाँ पे कर रही है सैलेड, काट रही है। दादी मम्मी ककड़ी काट रही है, और बता साक्षी। और तो सब बढ़िया, और आप सब लोग कोरोना में सुरक्षित रहे, घर पे रहे, गुड हम भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे फिर हम कहीं भी आने जाने को फ्री है ना। क्या करे भाई, वैक्सीन का ही हुआ, भगवान का प्रसाद हो गया जो इतना मुश्किल से मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है वैक्सीन के लिए। तो मोदी जी जरा ध्यान दीजिए, हमें अच्छे से वैक्सीन फटाफट मिल जाए। क्या करे, तभी तो बारिश भी बहुत थी ना। दिस इज डॉक्टर उत्सव शाह। तो मेरी डिग्री के बारे में पहले बता देता हूँ, मेरी जो डिग्री है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री है, क्योंकि चार साढ़े चार साल का कोर्स होता है, उसमें 4 इयर्स की स्टडी होती है और 6 मंथ्स का हमारा होता है इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि डिले हो गया था ड्यू टू कोविड। जो हमारी डिग्री होती है वही बेसिक हर ईयर में डिवाइडेड रहता है और एक मेन एग्जाम्स होती है ईयरली, एंड देन 6 मंथ्स का अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो मेरे अलग अलग हॉस्पिटल में हमारी इंटर्नशिप होती है। मेरा फिलहाल सब खत्म हो चुका है, डन हो चुका हूँ डॉक्टर, फाइनली। और फिर अभी आई एम प्लानिंग फॉर माय मास्टर्स। मास्टर्स में अभी क्या करना है, कहाँ से इंडिया अब्रॉड क्या ट्राई करना है, आई एम लुकिंग आउट, एंड देन आई विल फिगर आउट कि आगे क्या करना है, किधर जाना है, कैसे करना है, कौन से फील्ड में आगे करना है, स्पोर्ट्स करना है, और तो करना है, न्यूरो करना है, कार्डियोलॉजी करना है, या फिर CPR करना है। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा, है ना। तो थैंक यू उत्सव अपना जर्नी शेयर करने के लिए। और जो लोग, मैं सारे स्टूडेंट को बोल देती हूँ, आप लोग ना सिर्फ MBBS के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि MBBS हाँ सिर्फ उसके पीछे मत दौड़ो, आप अदर ऑप्शंस भी हाँ अच्छे हैं, सिर्फ MBBS नहीं है तो ऐसा निराश नहीं होना है, वही आपको आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी फिजियोथेरेपी इवन नर्सिंग का भी बहुत बूम हुआ है। फिलहाल कोविड की वजह से नर्सिंग का इतना बूम हुआ है, एक मेरी फ्रेंड है उसकी बहन वो 3rd ईयर में ही है, पर उसको अब्रॉड से अभी भी कॉल जा रहे हैं कि आके वहाँ पे वो लोग सेटल हो जाए वहाँ पे जॉब करने के लिए। तो नर्सिंग इज ऑल्सो बहुत अभी चालू है, बिल्कुल भी है। बिल्कुल भी लो फील मत कीजिए। कार्डियोरेस्पी फिजियोथेरेपिस्ट की भी अभी बहुत बूम है ड्यू टू कोविड, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपिस्ट का रोल जो कार्डियो स्पेशली। और अभी तो सारे के सारे डॉक्टर एक एज ए भगवान का रूप है, तो आप लोग मेडिकल लाइन चूज कीजिए, कोई भी लाइन चूज कीजिए मेडिकल की, क्योंकि अभी हाँ बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। करोगे अच्छे से, पढ़ोगे, काम अच्छे से करोगे तो सफलता आपको मिलेगी वैसा। थैंक यू उत्सव मेरे ब्लॉग में आने के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को इतना नॉलेज देने के लिए। और भी कुछ आपको पूछना है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो जरूर मैं उत्सव से पूछूंगी। या फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा तो मुझे नहीं बताई वीडियो कैसा बनाया,
ड्राइंग का, ड्राइंग का वीडियो बनाया। अरे वाह, आ गई। तो झीलू ने ना मुझे कॉपी करते हुए वीडियो बनाया है और आपको दिखाने के लिए लेके आई है। और मेरी प्यारी सी सुंदर सी झीलू, कुछ शाली नहीं, अच्छा हुआ, मुझे बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का। उत्सव बोल रहा है बहुत मस्त बना है, वाओ। और दिख रहा है गाइस, और मैंने जैसी बिरयानी, अंडा बिरयानी बनाई थी ना, वैसे ही सिर्फ इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया है। तो गाइस आप लोग भी आ जाओ, मेरी थाली लग गई है, खाने को आ जाओ। और साथ में केक भी मिल गया है। थैंक यू शालिनी और थैंक यू उत्सव कोई को केक खिलाने के लिए। ओहो, देखो आप सबसे मिलने को कछुआ आ गया है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है अच्छे से, फोटो खिंचाने के लिए पड़ा। देखो शॉट दे रहा है अच्छे से, और मेरी आवाज सुन के आ गया ना साक्षी, ये आवाज सुन के ऊपर आ जाता है। ये वाला तो बात सुनने को खड़ा है, उसको लग रहा है कुछ देंगे खाने को। हाँ, लोगों की आवाज सुन के आ जाता है क्योंकि उनको खाने को आटा मिलता है। तो आपको हाय बोल रहा है मेरा कछुआ। और हम लोग यहाँ पे गार्डन का व्यू कर रहे हैं मम्मी के यहाँ का। मैं मम्मी के यहाँ आऊँ और गार्डन में ना आऊँ ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ये है पूरा व्यू। वो डबल टोकरा है, नीचे डबल टोकरा और ये वो है डबल टकरी है, कलिया ही ना, वो डबल टकरी और नीचे ये डबल टकरी। क्या होगा जंगली उग गया? नहीं जंगली नहीं, वो उसका शो का जंगली है, ये शो का गाइस। ये कैसे पोज दे रहा है देखिए तो। उनको आहट मिल जाती है और उनको लगता है हमारे लिए खाना आया है। और यहाँ ये लोग गप्पे मार रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना है। तो बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू।